गुना जिले में कई वर्षों से पुलिस और शराब ठेकेदारों की जो सांठगांठ चल रही थी, नशाखोरी के धंधे चल रहे थे, उनके खिलाफ विधायक ने एक्शन लेते हुए सख्त रवैया अपनाया है। पुलिस शराब के ठेकेदारों से मनमानी रकम वसूलती है और उनके अलावा किसी की नहीं सुनती, चाहे वह जनता हो या अफसर या सरकार, किसी की नहीं सुनती। पिछले कुछ दिनों में शराब के ठेके को बंद करने के लिए वार्ड क्रमांक 15 साहू मोहल्ले कुमराज के निवासी धरने पर बैठे हुए थे। उनके पास जाकर धरना स्थल का मुआयना किया एवं शराब ठेकेदार एवं मीट विक्रेताओं की जमकर खबर ली एवं मोहल्ले से हटाया गया। वार्ड के नागरिकों द्वारा कोर्ट में पुलिस और शराब के ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मोहल्ले वासियों से कहा कि अब आपको धरने पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप बेहिचक होकर अपने काम पर ध्यान देवें और अब किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहीं साहू मोहल्ला स्थित पीड़ित युवती के यहां जाकर घर वालों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने की बात भी कही और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ युवती के परिजनों को दिलाया जाएगा। मंडी चौराहे पर साफ सफाई कर्मचारियों द्वारा विधायक महोदय से बात की गई और उनकी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। फिर तहसील स्थित सिलाई सेंटर जाकर महिलाओं से मिले और उन्हें आश्वासन द्वारा हर योजनाओं का लाभ दिए जाने की बात भी कही। हमारे संवाददाता कपिल नामदेव द्वारा नगर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई, जिस पर अगले 15 दिनों में ही मेडिकल व्यवस्था में सुधार कर अति शीघ्र ही चिकित्सा अधिकारी नियुक्ति कुमराज अस्पताल में की जाएगी, जिससे नागरिकों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें यहीं पर अच्छा उपचार मिल सकेगा। पूरे प्रदेश भर में और विशेषकर गुना जिले में कई वर्षों से पुलिस का और शराब के ठेकेदार या ठेकेदारों इनकी एक गठजोड़ चल रही है। जितने जुर्म हो रहे हैं, गुंडागिर्दी हो रही है, अवैध धंधे हो रहे हैं, वो इस गठजोड़ के कारण हो रहे हैं। पुलिस शराब के ठेकेदारों से मनमानी रकम वसूलती है, ड्रग्स बेचने वालों से वसूलती है और उनकी सुनती है, उनके अफसरों की, सरकार की नहीं सुनती, ना एमएलए की सुनती, ना एमपी की सुनती। और उमराज में वार्ड नंबर 15 अभी वहाँ के नागरिकों ने चुनाव के समय शिकायत की थी कि सारे शराब और मटन की दुकान यहाँ से हटवा दीजिए, हम लोग नहीं चाहते। जब सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं तो बड़ा साधारण से कार्रवाई थी, दुकान को हटवा दिया, लेकिन नहीं, हम चाहेंगे वो दादागिरी हमारी। और इतना संरक्षण है कि ठेकेदार को तो छोड़िए, ठेकेदार के कर्मचारी अश्लील तरह की हरकतें महिलाओं के सामने कर रहे हैं, जो महिला इसका विरोध कर रही है। एक बच्ची ने जिसने इसका विरोध जरा जोर से किया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको शेयर करेंगे, आपके करीब ही। उस बच्ची ने परसों आत्महत्या की, उसकी जान सिर्फ इसलिए गई कि उसने विरोध जताया था शराब की दुकान और मटन की दुकान हटाने। हम चाहते हैं और हम एक प्राइवेट मुकदमा दर्ज कराएंगे नागरिकों से, उस वार्ड के पुलिस के खिलाफ और शराब के ठेकेदार के कर्मचारियों के खिलाफ। और ये जो गठबंधन है, मैं कमलनाथ जी से चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से, कि शराब के ठेकेदारों का और पुलिस का जो गठबंधन है इसको तोड़ें, नहीं तो जनता फिर अपना फैसला करें। सर, नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा रही है। नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो उसको सुधार लिया जाए 15 दिन के अंदर, नहीं तो ये आंदोलन होगा। सर, ज्यादा कोई मेडिकल ऑफिसर वगैरह भी नहीं है, डॉक्टर वगैरह? 15 दिन का समय दे रहे हैं, नहीं तो फिर जनता से बड़ा ना विधायक है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री। कुमराज से ग्राउंड रिपोर्टर कपिल नामदेव की रिपोर्ट।